के दिए मैंने। सुरभि जी हाँ जी माँ चढ़ाई राम तेरे भगवान बोलिए चलो चलो विशाल ओके सो फर्स्टली आफ्टर अ हेक्टिक डे कैसा रहा दिन आपका? बहुत अच्छा था यार एक्चुअली आज काफ़ी हेक्टिक हो गया ऑल्सो मैं बीच में थोड़ी सी बीमार भी पड़ गई थी सो इट वॉज गुड टू बाउंस बैक टुडे। आज मैं थोड़ी एक्सपेरिमेंटल जोन में भी थी लकीली जिस ब्रांड के साथ मैं काम कर रही थी दे वर वेरी कूल विद द आइडिया दैट आई एक्सपेरिमेंट विद माई हेयर मेकअप एंड लुक एंड ऑल दैट तो वो जब वीडियो रिलीज होगा सो सब देखेंगे ही बट वॉज अ हेक्टिक डे वॉज अ ग्रेट डे आई मेट एवरीबडी काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों को मिली हूँ और मैंने पूछा आप लोग की हाल चाल सब ठीक है ना वॉज अ ग्रेट डे। जानना चाहूँगा कौन से ब्रांड के साथ आप शूट कर रहे थे? वो मैं शायद नहीं बता पाऊँगी बट वो वीडियो जल्दी आएगा इट इज़ समथिंग टू डू विद क्लोथ्स ओनली तो वो जब लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। क्या कुछ लुक के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या कुछ काफ़ी एक्सपेरिमेंटल था इन टर्म्स ऑफ आईज़ जो मैं कभी करती रही हूँ यूजली ऐसे हमने कुछ डायमंड्स यूज़ किए हैं एक लुक में हमने हार्ट्स बनाए हैं विद अ लाइनर एक लुक में हमने ग्रीन लाइनर ट्राई किया है विद अ ग्रीन लुक सो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हमने करने की कोशिश की है विद हेयर ऑल्सो देवर सम यू नो देवर सम फ्लावर्स एंड एवरीथिंग सो काफ़ी चीज़ें की है। ओके सो बिग बॉस 15 की मैं बात करूंगा तो उमर रियाज हाल ही में बाहर आ चुके हैं और मुझसे एक बहुत, ही सवाल बहुत पूछा है आज तो आप लोग को मिल भी गए मैंने सुना बट देखो मैंने कहा है जिन उनकी जर्नी जो रही है आई एम श्योर ही शुड बी प्राउड अबाउट दैट दैट्स इट दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर हिम। क्या आपको लगता है कि बायस डिसीजन यार मैं ना नहीं फॉलो कर रही हूँ कि उनको क्यों निकाला कैसे मुझे इतना जो मैंने लास्ट सुना था वो था उनके वोट्स कम थे उनको वोट्स कम मिले थे तो अगर उस बेसिस पे है तो किसी ने जीतना है किसी ने हारना है किसी का फैंडम बहुत बड़ा है किसी का नहीं है हो सकता है शायद ने वोट्स ना मिले मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है हुआ क्या है बट आई विश एवरीबॉडी गुड लक। उसके बाद 17 मिलियन ट्वीट्स उनके ऊपर हुए विनर रह चुके तो जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है वेरी गुड यार सो आपको क्या लगता है किस तरह से एक बायस डिसीजन था बिग बॉस फिर मेरे साथ ये घुमा के ऐसे आपने एक उंगली से डाला फिर उंगली भी घुमाई और वही सवाल पूछा लेकिन मैं यही तो कह रही हूँ आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस बट वॉट एवर इट इज सी आई विश एवरीबडी गुड लक आई हैव ऑलरेडी गिवन अ कोट दैट सबकी जर्नी इतना आसान नहीं है यार उस शो में रहना मैं गई हूँ तो हमारा तो 3 एपिसोड्स थे आप लोग जानते ही हैं एज अ चैलेंजर वी हैड अ टफ टाइम हमें इतने चैलेंजेस करने पड़े तो मैं सोच सकती हूँ जो इतने महीनों से कर रहे हैं इट इज़ अ टफ शो टू बी ऑन। ओके सो आपने ये घर को बहुत क्लोजली देखा तो क्या लगता है आपको किसकी विनर क्वालिटी लगी आप जितने भी समय रह चुके? मैं एक्चुअली जितना टास्क मैंने देखा मैंने एक निशांत और करण का टास्क देखा था नॉट दैट आई एम सेइंग दैट दे हैव विनर क्वालिटीज मुझे अभी तक इस सीजन में कोई पोटेंशियल विनर नहीं दिख रहा है बट मैंने उन दोनों में बहुत शिद्दत देखी जब जैसे निशान ने वो अंडे के छिलके वलके खाए इट वॉज वेरी टफ एंड ही डिड इट बहुत सारे उन्होंने कच्चे अनियंस एंड ऑल दैट इट वॉज बैड बट ही डिड अ गुड जॉब करण ने भी ऐसे कुछ किया है सो जितना मैंने देखा अब घर पे बैठे बैठे मतलब एज इन जब मैं बिग बॉस घर में गई थी तो मैंने इन लोगों के टास्क देखे आइस मेल्टिंग वाला टास्क देखा था मैंने एक उमर और तेजस्वी का दोनों ने बहुत अच्छा किया बट यार किसी ने जीतना है किसी ने हारना है। ओके सो लास्टली व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? माय अपकमिंग फिलहाल आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ टच विद ब्रांड कैंपेन्स एंड स्टफ लाइक दैट बट समथिंग बिग व्हेन आई एम रेडी टू अनाउंस आई विल और वैसे ही पता चल जाएगा। थैंक यू मैम थैंक यू चलो सी यू अंधेरी आते रहिए आपको कोई आते रहिए बुलाते रहिए आ जाएंगे अभी वो आपको कोई स्पेशल इनविटेशन टू है यू ऑल कैन कम एनी टाइम टू कवाई एनी टाइम आ जाओ कभी भी कवाई आना मुश्किल है या वीडियो डाल चलो गाइस सी यू गाइस थैंक यू गॉड ब्लेस यू आपका ध्यान रखिए हमारा मीठा रह गया मीठा मंगवाओ रुकोगे तो मैं नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम ओके आज आपका चश्मा मिस हुआ वाला रोहित रुको ओके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम चलो दवाइयाँ लेते रहिए अपना ध्यान रखिए सब बाय बाय।